गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, आज हमारी स्पेशल क्लास राइनोसेरस के बारे में है, गेंडे के बारे में है। गेंडे के बारे में आप कितना जानते हैं वो भी देखेंगे, और मैं कितना बता पाता हूं वो भी आप देख लीजिएगा। खैर, तो शुरू करते हैं। स्पेशल क्लास है, ये हमारी स्पेशल क्लास है। और स्पेशल क्लास क्या होती है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। स्पेशल क्लास क्या होती है, जैसे ये राइनोसेरस पे स्पेशल क्लास है, एक घंटे का अनइंटरप्टेड सेशन रहेगा, करीब एक घंटा जो है ये सेशन चलेगा। और ऐसी कई सारी स्पेशल क्लासेस, ऐसे बहुत सारे प्लस कोर्सेज जो हैं वो अनअकैडमी की कहां वेबसाइट पे आप देखेंगे, या अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में प्लस टैब में आप देखेंगे तो मिलेंगे आपको। काफी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर अच्छे एजुकेटर्स ने बना के रखे हुए, बहुत बढ़िया एजुकेटर्स होते हैं जो इस तरह के स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज बनाते हैं, आपके बहुत काम में आते हैं, यूजफुल होते हैं, क्योंकि आपको इनसे एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिलती है। अब हम शुरू करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, मुख्य मुद्दे पे, राइनोसेरस पे। मुझे बताइए कि राइनोसेरस की कितनी स्पीशीज आप जानते हैं। मैंने पहले भी किसी स्पेशल क्लास में क्वेश्चन किया था, मुझे एक आवाज में सबका गलत जवाब मिला था। गेंडे की कितनी स्पीशीज आप जानते हैं बिना गूगल किए बताइए, बिना गूगल किए बताइए, तब तो कोई बात है, मजा है, बिना गूगल किए आप बताएंगे तो। गेंडे की कितनी स्पीशीज आप जानते हैं, कितनी होती हैं? राइनोसेरस की कितनी स्पीशीज आज की तारीख में जिंदा हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बताइए। 2-3, 2-3 और सोचिए, गलत जवाब है दोनों। चलिए आपको हिंट दे देता हूं, 2 और 3 दोनों को जोड़िए, कितने हुए? 2 आंसर्स मिले अभी तक, 5। तो 5 स्पीशीज है, कौन सी ये देखिए। आप जैसे किताब पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में मैंने जमा है, लेफ्ट टू राइट, और साइज के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको जमा के रखा हुआ है मैंने। सबसे बड़े ये हैं व्हाइट राइनोसेरस, बड़े पापा इन सबके, व्हाइट राइनोसेरस, ठीक है, ये सबसे बड़ा राइनोसेरस है। ये सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है हाथी के बाद में, मतलब हिप्पोपोटामस, और इसके बीच में जो है टक्कर की, कांटे की टक्कर है, ठीक है। लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं, अधिकांश लोग भूल गए, कोई बात नहीं, अब हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाइट राइनोसेरस सबसे बड़ा है, इन सबके बड़े पापा हैं व्हाइट राइनोसेरस, और फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है, उससे छोटा इंडियन राइनोसेरस, सेकंड लार्जेस्ट राइनोसेरस इंडियन राइनोसेरस है। हमारे यहां जो गेंडा मिलता है वो सेकंड लार्जेस्ट राइनोसेरस है। उसके बाद जावन राइनोसेरस, ठीक है, और जावन राइनोसेरस की बराबर वजन में, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा भारी होता है ये ब्लैक राइनोसेरस, ठीक है ना। और सबसे छोटा है सुमात्रान राइनोसेरस, बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा गेंडा। अब मुझे ये बताइए, इन सबकी शक्लें देख के मुझे बताइए कि कौन कौन से गेंडे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सब आपको अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से मुझे जवाब देने हैं, कौन कौन से गेंडे आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे बताइए, शक्ल सूरत से एक जैसे दिखने वाले गेंडे कौन कौन से हैं। अच्छा, क्यों? 2 और 3, ओके ओके ओके, कई सारे रंग बिरंगे जवाब मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अपेरेंटली आप देखिए, अपेरेंटली इंडियन राइनोसेरस और जावन राइनोसेरस एक जैसे दिख रहा है कि नहीं। केवल केवल आपको ही नहीं, ये डिफरेंस यूरोपियंस को भी नहीं समझ में आया था। कई बार यूरोपियन चिड़ियाघरों में जावन राइनोसेरस को भी इंडियन राइनोसेरस बताकर पेश किया जाता रहा काफी समय तक, समझ रहे हो? तो इतना इनमें, इतना इनमें, हाँ, इतना, इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं ये, और आप सही भी हैं, क्योंकि दोनों ही जवाब सही है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो जवाब भी सही है और ये जवाब भी सही है। क्यों सही है, देखिए, इंडियन राइनोसेरस और जावन राइनोसेरस का जीनस एक ही है, राइनोसेरस जीनस के दोनों के दोनों, इंडियन राइनोसेरस और जावन राइनोसेरस, राइट। पहला कॉमन पॉइंट उनके बीच में ये है, सिंगल हॉर्न राइनो है ही, एक ही जीनस का, तो एक ही सींग है। दूसरी बात, किस, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने मुझे जवाब दिया, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने जवाब दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट राइनोसेरस एक जैसे हैं दिखने में, दिखने में तो एक जैसे नहीं है, दिखने में तो एक जैसे नहीं है, स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है उनमें, लेकिन इन दोनों का ओरिजिन एक है,
इनका एंसेस्टर एक है, तो वहां से इनके कॉमन एंसेस्टर से ये दोनों निकले हुए हैं अफ्रीका से। तो तीन लाइनेजेस से सारे राइनोसेरस निकले हुए हैं। पहली लाइनेज है कौन सी, ये ब्लैक एंड व्हाइट राइनोसेरस की। दूसरी लाइनेज है जावन और इंडियन राइनोसेरस की। और तीसरी अंतिम जो लाइनेज है वो है सुमात्रा राइनोसेरस की। तो तीन लाइनेजेस में गेंडे इवॉल्व हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ, ब्लैक राइनोसेरस और व्हाइट राइनोसेरस की स्किन फोल्ड तो डिफरेंट है ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा आप इसके ऊपर गौर भी कीजिए। पहली बात तो इनका मुंह देखिए, ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो का मुंह आप देखिए, इसका मुंह और इसका मुंह, दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है, बेसिक फर्क है ना। चलिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा, आज तक का लैंड मैमल कौन सा है दुनिया का, आप कहेंगे हाथी, पार्शियली सही है। अगर आप कहते हैं गेंडा तो भी पार्शियली आप इसलिए सही है, पार्शियली आप इसलिए सही है कि ये प्री हिस्टोरिक एनिमल था, पैरासेराथेरियम, ठीक है ना। हाँ, हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस और व्हाइट राइनोसेरस में कांटे की टक्कर है, वजन को लेकर, साइज को लेकर कांटे की टक्कर है हिप्पोपोटेमस और राइनोसेरस में, व्हाइट राइनोसेरस में, ठीक है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल में आप हिप्पोपोटेमस भी कोट कर सकते हैं या व्हाइट राइनोसेरस भी कोट कर सकते हैं, तो दोनों ही जवाब सही है एक तरह से, वजन लगभग दोनों का बराबर होता है। तो मैं आपको बता रहा था दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मैमल कौन सा था आज तक का रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्डेड लैंड मैमल जो है वो पैरासेराथेरियम, ये 26 फुट लंबा, 15 टन भारी, बिना सींग का एक गेंडा था। और इसके बराबर, लगभग इसके बराबर के कुछ हाथी भी पाए गए हैं, प्री हिस्टोरिक एलिफेंट भी पाए गए हैं। तो अभी इस पैरासेराथेरियम और उस प्री हिस्टोरिक एलिफेंट के बीच में एक कंपटीशन है कि सबसे बड़ा लैंड मैमल कौन सा है, उसको लेकर अभी बहुत कुछ क्लैरिटी आई नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यह सबसे बड़े लैंड मैमल्स में से एक हुआ करता था पैरासेराथेरियम, ठीक है। स्कल देखिए इसकी, खोपड़ी देखिए कितनी बड़ी है, एक इंसान के बराबर खोपड़ी देख रहे हैं आप लोग, जायंट व्हील के झूले में आप बैठते तो उसके झूले के एक पालने के बराबर है ये खोपड़ी पूरी। ठीक है ना, तो दिखता कैसा था, अब इसका साइज देखिए पैरासेराथेरियम का, ये इसका साइज है, देख रहे हैं आप लोग। मैं थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड, एक आधे मिनट के लिए ये स्लाइड पॉज कर रहा हूं ताकि आप इसके साइज को कंपेयर करके देख सकें, लोगों से कंपेयर करके देखिए कितना ऊंचा होता था ये गेंडा। इसकी लेंथ जो है वो 26 फुट है, हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेंथ 26 फुट है, 26 फुट की लेंथ वाला गेंडा, 15 टन भारी। अब मुझे बताइए हैवीएस्ट एलिफेंट जो मारा गया था वो कितना था, हैवीएस्ट एलिफेंट रिकॉर्डेड कितना है बिना गूगल किए मुझे बताइए जरा अंदाजन, हैवीएस्ट एलिफेंट, सबसे जिराफ जितना हाई तो नहीं कह सकते इसको, हाँ जिराफ जितना हाई, ठीक है जिराफ जितना हाई, ठीक है। सबसे भारी हाथी जो है रिकॉर्डेड वो कितना रहा है, 10 टन। चलिए मैं आपको बता देता हूं, हैवीएस्ट रिकॉर्डेड एलिफेंट जो है वो, हैवीएस्ट रिकॉर्डेड एलिफेंट जो है वो 12 टन का था, अंगोला में इसको शूट किया था, तो 12 टन का सबसे भारी हाथी था, उससे भी 3 टन भारी ये पैरासेराथेरियम। और पिछली सदी से ये मान्यता थी कि यही सबसे बड़ा लैंड मैमल है, लेकिन अब कुछ पुराने हाथियों के फॉसिल्स मिले हैं जिससे साबित होता है कि बड़े लैंड एनिमल हाथी भी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए ये राइनोसेरस वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ, राइनोसेरस वर्ड जो हुआ, अब हमेशा ध्यान रखिएगा आप बहुत सारे एनिमल्स की साइंटिफिक नेम में ये वर्ड पाएंगे राइनो, राइनो वर्ड आपको बहुत, हेलो आवाज आ रही है, मेरे इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप रिफ्रेश करते रहिएगा इनकेस अगर कहीं स्लाइड पॉज होती है तो, बताइए आवाज ठीक आ रही है, वीडियो ठीक आ रहा है, स्लाइड्स ठीक दिख रही है, तीन बातें मुझे बताइए। हेलो हेलो
आवाज ठीक आ रही है? स्लाइड दिख रही है, वीडियो दिख रहा है? ओके ओके ओके। ये राइनोसेरस वर्ड आया कहां से? राइनोसेरस वर्ड कहां से आया? सींग, सींग की वजह से नहीं, इसकी नाक की वजह से। राइनो मतलब होता है नाक। कौन सी भाषा में? एंशियंट ग्रीक में राइनो का मतलब होता था नाक, और केरास मतलब सींग। सेरस या केरास का मतलब होता है सींग। तो राइनोसेरस, जिसके नाक के ऊपर सींग हो उसको राइनोसेरस कहते हैं। ये एंशियंट ग्रीक में नाम निकला हुआ था, जो कि बाद में लेटिन में, और लेटिन के बाद जो है वो अंग्रेजी के शब्दकोश में एंटर हुआ है। तो पहले ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन का है राइनोसेरस। बहुत से स्पीशीज की साइंटिफिक नेम में आप राइनो वर्ड देखेंगे। ये आपको नोट करते हुए चलना है, ये सब नोट करते हुए चलना, आपको छोटी छोटी बातें सब आपको नोटिस करते हुए चलनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। गेंडों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं मैं। गेंडों के सींग असल में सींग नहीं होते हैं। सींग मतलब जो हड्डी के मटेरियल से बनते हैं उसको हम सींग कहेंगे। ट्रू हॉर्न नहीं होते हैं, ट्रू हॉर्न हम उसको कहेंगे जो हड्डी के मटेरियल से बनेंगे। लेकिन ये जो सींग होते हैं ये हड्डी से नहीं बनते हैं, ये काय से बनते हैं? कैरेटिन से बनते हैं। कैरेटिन एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मटेरियल होता है जिससे हमारे, हाँ, जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं, ठीक है, सही बात है, हेयर से बनता है। तो ये हॉर्न जो है हड्डी ना होके कैरेटिन से बनता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत मोटी खाल होती है। स्पीशीज टू स्पीशीज, स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन वेरी करता है। 1.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक थिक हो सकती है इसकी स्किन। जैसे भारतीय गेंडा, इसकी स्किन ज्यादा थिक है, 5 सेंटीमीटर तक भी थिक हो सकती है ये। अब आप देखिए, इसका शिकार होता है, इस गेंडे का शिकार होता है, तो वो बुलेट कितनी पावरफुल होती होगी जिससे गेंडे को मारा जाता है। 5 सेंटीमीटर थिक आर्मर को अगर ये खोद सकती है बुलेट, तो वो बुलेट कितनी पावरफुल होती होगी अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी स्किन काफी थिक होती है, बताने की जरूरत नहीं। एवरेज स्पीड इसकी 55 किलोमीटर पर आवर होती है। 55 किलोमीटर पर आवर मतलब काफी होता है। 55 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी भी चलाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि तेज भगा रहे हैं आप, बहुत फास्ट होता है। 55 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड होती है, 50 to 55 होती है, वैसे 50 to 55 होती है। इंडियन राइनोसेरस की 55 होती है। अच्छा, यहां पर मुझे बताइए कौन कौन से राइनोस की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। थोड़ा मैं आपको बैक करके बता देता हूं थोड़ा इनके हैबिटेट के बारे में। मुझे बताइए इसमें से कौन सी ग्रासलैंड स्पीशीज है, कौन सी फॉरेस्ट स्पीशीज है, अंदाजा लगाइए। घने जंगलों में कौन सा राइनोसेरस मिलता है, ग्रासलैंड्स वगैरह में कौन सा राइनोसेरस मिलता है, प्लेन्स में कौन सा मिलता है? पहले मुझे बताइए जंगलों में कौन सा मिलता है, घने जंगलों में कौन सा मिलता है, घने जंगलों में कौन सा मिलता है, डेंस फॉरेस्ट में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है। ये आपको धीरे धीरे, मैं ये आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्ट का फील आए, इतना फील आ जाए कि आप किसी भी स्पीशीज की शक्ल देख के बता दे कि इसकी, इसका हैबिटेट क्या है। मैं बता सकता हूं, बहुत सारे लोग बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बता पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। पहले मुझे बताइए डेंस फॉरेस्ट में कौन सा रहता है, डेंस फॉरेस्ट में कौन सा रहता है। एक जवाब मेरे पास सही आया है, जैमिन पटेल साहब का जवाब सही है। जावन और सुमात्रान राइनोसेरस, ये दोनों जो हैं, जावन और सुमात्रान राइनोसेरस जो है वो, जावन और सुमात्रान राइनोसेरस ये डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये थोड़ा ऊंची घास वाले एरिया में पाया जाता है इंडियन राइनोसेरस, और ये ओपन ग्रासलैंड्स में और बुशलैंड में पाए जाते हैं, श्रबलैंड में, स्क्रबलैंड में पाए जाते हैं। कौन से? व्हाइट और ब्लैक राइनो, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन जो है वो प्लेन्स की स्पीशीज है, प्लेन्स में भी ओपन फॉरेस्ट की स्पीशीज है, ये दोनों डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जावन और सुमात्रा राइनोसेरस। अब मुझे बताइए स्पीड किसकी ज्यादा होगी। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले थोड़ा। किस किस की स्पीड ज्यादा होगी, 55 किलोमीटर 50 किलोमीटर, कौन से गेंडों की बात कर रहा हूं भाई? दौड़ने की स्पीड किसकी ज्यादा हो सकती है? वेरी गुड, प्रीति मैडम ने सही जवाब दिया, प्रीति श्रीवास्तव जी ने सही जवाब दिया हमें। ये तीन गेंडों की स्पीड इसलिए तेज हो सकती है क्योंकि प्लेन्स के एनिमल्स है भाई, जंगल में कहां दौड़ोगे आप, जंगल में आप कहां दौड़ोगे? दौड़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा स्पीड कहां पे तेज आती है, मैदान में कि जंगल में, ठीक है। तो
ये हमने राइनोसेरस का देखा, स्पीड देख ली उसकी। अब आप बताइए मुझे लायन के झुंड को क्या कहते हैं हम, लायन के झुंड को क्या कहते हैं बताइए, लायन के झुंड को कहते हैं, लायन लायन सिंह, उसके झुंड को क्या कहते हैं? यार आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। लायन सिंह के झुंड को हम क्या कहते हैं? लायन के झुंड को हम क्या कहते हैं? लायन के झुंड को क्या कहते हैं? हेलो आवाज आ रही है? यार मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। हेलो, लायन के झुंड को कहते हैं प्राइड, राइनोसेरस के झुंड को कहते हैं क्रैश, सिंपल सी बात, चलिए याद रखिएगा इसको। दूसरी बात, गेंडे के अंदर सूंघने की और सुनने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, स्मेलिंग और हियरिंग की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, लेकिन आई साइट इसकी बहुत कमजोर होती है, आई साइट बहुत ही पुअर होती है। और एक बहुत पुरानी मान्यता है इसकी, इसकी एक बहुत पुरानी मान्यता है, इसकी एक बहुत पुरानी मान्यता है कि गेंडा जो है वो आग को बुझा देता है, इसको फायर ब्रिगेड की तरह माना जाता था, लेकिन इसके कोई साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, इसके साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि गेंडा आग को बुझा देता है। ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां हैं, दादी नानी की कहानियों में सुनी हुई बातें हैं, लेजेंड्स हैं जो कि साउथ ईस्टर्न एशिया में ओरिजिनेट हुई थी, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी इस तरह की लेजेंड्स हैं, इस तरह की कथा कहानियां हैं कि गेंडा जो है वो आग को बुझा देता अपने पैरों से, सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन इसमें कोई अभी तथ्य प्राप्त नहीं हुए इसके, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बैकग्राउंड से आपको शोर सुनाई दे रहा है क्या, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है? ओके वेरी गुड, नहीं यहां आसपास जो है कुछ डिस्टर्बेंस है जरूर, बिल्डिंग बन रही है या कहीं किसी की बारात वारात निकल रही तो दिक्कत आती है, कभी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो तो बताइएगा, अपन क्लास को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब पांच में से कौन सी स्पीशीज के साथ शुरू किया जाए बताइए डिस्कशन, कौन सी स्पीशीज के साथ डिस्कस करें बताइए। चलिए मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी इंडियन राइनो के फेवर में है, मेजॉरिटी इंडियन राइनो के फेवर में है, तो हम इंडियन राइनो से ही शुरू करते हैं, भारतीय गेंडे से शुरू करते हैं। तो हमारे यहां जो गेंडा पाया जाता है इंडियन राइनोसेरस पाया जाता है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम बताइए मुझे, इंडियन राइनोसेरस का साइंटिफिक नेम क्या है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इस पर क्वेश्चंस बन जाते, थोड़ा ध्यान रखिए, साइंटिफिक नेम क्या इंडियन राइनोसेरस का? हेलो, इंडियन राइनोसेरस का साइंटिफिक नेम क्या है? एक जवाब आया गलत आया, ठीक है दूसरा जवाब सही है, वेदांत जी का जवाब सही है, पार्शियली सही, क्योंकि राइनोसेरस यूनिकॉर्नस इसका पूरा नाम है, राइनोसेरस यूनिकॉर्नस, जैमिन पटेल जी ने सही जवाब दिया है, राइनोसेरस यूनिकॉर्नस जो है वो इंडियन राइनोसेरस का साइंटिफिक नेम है, पूरा साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये आपको कम से कम जो भारत में गेंडा मिलता है उसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। अच्छा इससे मिलता जुलता इस जीनस का कौन सा राइनोसेरस है, इंडियन राइनोसेरस से कौन सा राइनोसेरस सबसे ज्यादा मिलता है बताइए, जावन राइनोसेरस, ठीक है। तो उसका भी साइंटिफिक नेम राइनोसेरस से ही शुरू होगा, उसका जीनस भी राइनोसेरस ही है, ठीक है। इंडियन राइनोसेरस का वजन कितना है? हाँ जावन राइनोसेरस का राइनोसेरस सुंडाइकस सही है, स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर है बाकी ठीक है। वजन कितना है इसका? आपने कभी चिड़ियाघर में इंडियन राइनोसेरस देखा है कि नहीं? कभी दिल्ली जू वगैरह गए आप? जूलॉजिकल गार्डन में आपने राइनोसेरस देखा है कि नहीं? जब मैंने पहली बार जूलॉजिकल गार्डन में देखा था तो मैं चौंक गया था, मैंने कहा यार हाथी जैसा दिख तो रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं, तो काफी बड़ा होता है, वजन काफी होता है इसका, 2500 किलो से 3200 किलो तक वजन होता है, 4000 किलो हैवीएस्ट रिकॉर्डेड है, 4 टन का हैवीएस्ट रिकॉर्ड है इसका, इसका इंडियन राइनोसेरस का। मेल 2500 से 3200 किलो का होता है और फीमेल जो होती, मादा जो होती है 2000 किलो तक की होती है वजन में,
हाइट इसकी 2 मीटर तक हो सकती है गेंडे की, कंधे तक हाइट 2 मीटर तक हो सकती है और लेंथ 3.5 मीटर की। कितना मैसिव क्रीचर है, कितना बड़ा क्रीचर है आप देखिए। ठीक है, ये इसके मैंने आपको फिजिकल डिटेल्स बताए। अच्छा, ये अपना रिपीट हो गया स्लाइड। एनीवे, कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? आसाम का, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब मुझे बताइए आसाम के अलावा राइनोसेरस इंडिया में कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? कई बार मैं बता चुका हूं वैसे तो, राइनोसेरस आसाम के अलावा भारत में कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? एमपी में नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। वेस्ट बंगाल, वेरी गुड, वेदांत जी ने सही जवाब दिया, वेस्ट बंगाल। और सोचिए, और सोचिए, वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। यूपी, करेक्ट, यूपी में भी है। और एक और हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और है, नहीं मेघालय में नहीं, मेघालय में फिलहाल नहीं है, उत्तराखंड में फिलहाल नहीं है। एक और गेस चाहिए मुझे, सिर्फ एक और जवाब चाहिए, कहां पॉसिबल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। मैंने इतनी सेंचुरीज के बारे में आपको बताया, मैंने त्रिपुरा में भी नहीं है। देखिए बता देता हूं आपको, बिहार में पॉसिबल है। बिहार में क्यों पॉसिबल है अभी मैं उसको बताता हूं आपको। इंडियन राइनोसेरस, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, इसको ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं और वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनो क्यों कहते हैं कोई बताएगा? इसको ग्रेट वन हॉर्न राइनो क्यों कहते हैं? इंडियन राइनोसेरस को ग्रेट वन हॉर्न राइनो हम क्यों कहते हैं? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या ग्रेट वन हॉर्न राइनो इसको क्यों कहते हैं? एक हॉर्न है वो तो सही बात है, लेकिन ग्रेट क्यों कहते हैं? ग्रेटर क्यों कहते हैं इसको? ग्रेटर क्यों कहते हैं? ग्रेटर वन हॉर्न क्यों कहते हैं? ग्रेटर वन हॉर्न क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सींग वाला एक और गेंडा है, जावन राइनोसेरस। तो ये ग्रेटर वन हॉर्न हो गया और जावन राइनोसेरस हो गया लेसर वन हॉर्न राइनो। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, लॉजिकली आप समझ सकते हैं। कहां पाया जाता? दलदली इलाके में पाया जाता है या नमी वाले घास के मैदानों में पाया जाता है। ये अफ्रीका के गेंडों में और भारत के गेंडों में बेसिक फर्क है कि भारत के गेंडे मॉइस्ट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीका के गेंडे जो हैं वो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। सुंदरवन में गेंडा पाया जाता था, बिल्कुल सही आपने गैस किया है, दीपिका जी ने बिल्कुल सही गैस किया है। सुंदरवन में गेंडा पाया जाता था, सुंदरवन में गेंडा पाया जाता था, लेकिन कौन सा गेंडा पाया जाता था वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये भारत में 3000 है और नेपाल में 600 के पार है आज की तारीख में। एक जमाने में इंडस वैली में पाया जाता था, आज की तारीख में इनकी टोटल पॉपुलेशन 3500 से ज्यादा है, 3500 से ज्यादा ये अभी बचे हुए हैं। हाल ही में इनको एंडेंजर्ड से वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है IUCN ने, इसको अपने हमारे इंडियन राइनोसेरस को। अब आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइनोसेरस मिलता था, ये हमें कैसे पता चलता है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइनो सील है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इंडस वैली में, हाँ इंडस वैली में ये पाया जाता था, गेंडा पाया जाता था इंडस वैली में एक जमाने में। कहां आसाम, कहां इंडस वैली, इसका मतलब कि ये पूरे तराई द्वार लैंडस्केप में पाया जाता था, उस पूरे इकोसिस्टम में पाया जाता था। मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तराई, हिमालयस के साउथ में जो है, हिमालयस के साउथ में जो बेल्ट है प्लेन्स की, वो पूरा जो है कवर करता था राइनोसेरस। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक जमाने में पाया जाता था, संभवतः नागालैंड तक भी पाया जाता हो। तो पेशावर से नागालैंड भी इसकी इसकी पहुंच थी, इसकी रेंज थी। अब आप देखिए, कुछ आपको पुराने एग्जांपल्स, पुरानी यादें ताजा करवा दूं मैं। ये कॉइन किसका है? कुमार गुप्त फर्स्ट का है, गोल्ड कॉइन है कुमार गुप्त फर्स्ट का। 430 से 453 AD इसका शासन काल था। इसमें कुमार गुप्त ये बैठा हुआ है घोड़े पे, गुप्त डायनेस्टी, गेंडे को मारते हुए दिख रहा आपको, खड्ग विशान इसको कहते थे संस्कृत में, और महेंद्र खड्ग नाम का ये कॉइन है। मतलब कि गेंडे को मारने वाला, गेंडे को जीतने वाला, गेंडों का स्वामी महेंद्र खड्ग, गेंडा स्वामी महेंद्र खड्ग जो है, इस कॉइन का नाम है। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है कॉइन का, महेंद्र खड्ग लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, गुप्त स्क्रिप्ट में इसके ऊपर महेंद्र खड्ग लिखा हुआ है। तो गुप्त एम्पायर के आसाम में था, कोई बताया मुझे? गुप्त एम्पायर आसाम में था क्या? नहीं था, आसाम में था।
आसाम में आसाम ट्रिब्यूटरी स्टेट था लेकिन डायरेक्ट उसके कंट्रोल में नहीं था। कुमार गुप्त का ये राइनोसेरस का शिकार जो है वो कौन से एरिया में होगा, थोड़ा सोचिएगा, वो होगा तराई बेल्ट में कहीं पे, नॉर्दर्न बिहार वगैरह में कहीं का होगा, या नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का कहीं का सीन होगा, ये नॉर्दर्न बंगाल भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो हमारा इंडियन राइनोसेरस है उसकी रेंज किसके साथ ओवरलैप होती है, बारासिंगा, हॉक डियर, वाटर बफलो, इनकी रेंज इस इंडियन राइनोसेरस के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करती है, ठीक है ना। तो कोई रटने की जरूरत नहीं, ये जो स्पीशीज मैंने आपको बताई कौन सी, हमारा इंडियन राइनोसेरस, बारासिंगा, हॉक डियर, वाटर बफलो, ये एक जैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक जैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाथी और टाइगर भी इस हैबिटेट में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत जगहों पर हाथी और टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जानवर है स्ट्रिक्टली मार्शी एरिया, जो दलदली स्वैम्प्स होते हैं वहां तक लिमिटेड होते हैं, या ग्रासलैंड्स जो होते हैं वहां तक लिमिटेड होते हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते। अब ये फोटोग्राफ देखिए, ये किसका है, इसमें बाबर आपको दिखेगा, बाबर हाथी पे बैठा हुआ है और वो शिकार कर रहा है किसका, गेंडे का। बाबर ये, सॉरी हाथी पे नहीं बैठा, बाबर ये है घोड़े पे बैठा हुआ है और ये गेंडे का शिकार कर रहा है। ये मालूम है कहां का फोटो है, ये कहां का पिक्चर है, ये है पेशावर का। मतलब आज से केवल 500 साल पहले, केवल 500 साल पहले पेशावर में भी इंडियन राइनोसेरस मिलता था, पेशावर वैली में, देख रहे आप, पेशावर वैली में भी इंडियन राइनोसेरस मिलता था। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, हमने बीच बीच में सड़कें बनाई, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए बीच में, उसकी वजह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ और ये राइनोसेरस वहां से बिल्कुल विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो गया, और पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हुए से कम 300 साल हुए। अब इसकी रेंज कैसे श्रिंक हुई देखिए, ये नक्शा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने खास आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। देखिए इसमें लाइट कलर में जो आपको दिख रहा है इसकी फॉर्मल रेंज है, और डार्क ग्रे में जो है वो इसकी प्रेजेंट रेंज है। इसमें भी अलग अलग पॉकेट्स में पाया जाता है, टुकड़े टुकड़े में पाया जाता है, ऐसी सलंग कोई एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है इसकी, देख रहे आप लोग। हेलो, तो इसके चार पांच स्ट्रांग होल्ड्स हैं, चार पांच स्ट्रांग होल्ड्स है। एक तो काजीरंगा, काजीरंगा है सभी जानते हैं, द्वार का जो क्षेत्र है, द्वार का क्षेत्र मतलब नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, और मानस का जो क्षेत्र है वो चितवन नेशनल पार्क नेपाल का, चितवन नेशनल पार्क। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि कौन से स्टेट में और राइनोसेरस मिलता है, वो है बिहार, बिहार में संभवतः यह पाया जाता है, क्योंकि हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करके आता हो, क्योंकि चितवन में अच्छी पॉपुलेशन राइनोसेरस की, एकदम कम नहीं है, अच्छी पॉपुलेशन है राइनोसेरस की, तो ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन होता होगा राइनोसेरस का, तो बिहार भी एक पॉसिबल स्टेट है। दुधवा और शुक्ला फाटा में ये पाया जाता है, ये मतलब यूपी और नेपाल बॉर्डर में पाया जाता है, और पार्दिया नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, नेपाल के पार्दिया नेशनल पार्क में। सदर लिमिट में मतलब साउथ में कहां तक गेंडा फैला हुआ था इसके बारे में अभी कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं, फॉसिल्स ऐसे एकदम साउथ तक नहीं मिल पाए, तराई रीजन में निश्चित तौर पर ही मिलता था, इस बेल्ट में ही मिलता था, जो मैंने आपको रेंज बताई है। तो ये मैप आपके लिए मेरे ख्याल से यूजफुल होगा, ठीक है ना। सदर्न रेंज इसकी कहां तक थी अभी क्लियर नहीं है। अब पॉपुलेशन कहां कितनी है, इस स्लाइड को मैं एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, आप इत्मीनान से देखिए कि कहां कितनी इसकी पॉपुलेशन है, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए काजीरंगा में सबसे ज्यादा गेंडे है, तो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं काजीरंगा में। पोबितोरा एक सेंचुरी है गुवाहाटी के पास में, गुवाहाटी के पास में पोबितोरा सेंचुरी है, यहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी है इंडियन राइनोसेरस की, पोबितोरा में इंडियन राइनोसेरस की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ये ध्यान रखिएगा इस तथ्य को, इस फैक्ट को, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन राइनोसेरस की, वन हॉर्न राइनोसेरस की डेंसिटी कहां पर है, तो पोबितोरा में है, पहली बात। दूसरी बात, मानस टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में गेंडों को रिइंट्रोड्यूस किया गया, वहां से सफाया हो गया था गेंडों का, क्योंकि बोर्डो अनरेस्ट की वजह से वहां गेंडे भारी तादाद में पोच हुए, गेंडों की पोचिंग हुई भारी तादाद में, तो मानस में गेंडों का सफाया हो गया था। पोबितोरा और काजीरंगा से ले जाकर वहां इंट्रोड्यूस किया गया, रिइंट्रोड्यूस किया गया राइनोसेरस को। द्वार की पॉपुलेशन आइसोलेटेड है, द्वार की पॉपुलेशन आइसोलेटेड है, देखिए ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में जो राइनोसेरस की पॉपुलेशन है वो आइसोलेटेड है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। चितवन नेशनल पार्क में आज की तारीख में 600 से ज्यादा गेंडे हैं, और ये
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच में और चितवन के बीच में ये टू एंड फ्रो माइग्रेट करते होंगे। चितवन नेशनल पार्क जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एडजेसेंट है, ठीक है। फिर चितवन नेशनल पार्क में गेंडों की तादाद बढ़ रही है जबकि एरिया कम है, तो क्या करते हैं हर साल गेंडे नेपाल साइड से चितवन नेशनल पार्क में, चितवन नेशनल पार्क से बारदी और शुक्ला फाटा में ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, हर साल किया जाता है, एनुअल ट्रांसफर होता है। दुधवा में भी हमने कुछ राइनोस इंट्रोड्यूस किए थे 1984 में दुधवा नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे हमने राइनोसिरस, यहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ी है और अब उनको दूसरे लोकेशंस में दुधवा में और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह से एक पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन एक क्रिएट हो जाएगी राइनोसिरस की। मेरे ख्याल से इकोलॉजी के जवाब देने में आपको ये चीजें मदद करेंगी, करेंगे कि नहीं सोचिए। अब एक लाल सोहांडा नेशनल पार्क है, लाल सोहांडा नेशनल पार्क है पाकिस्तान में, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व भी है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। लाल सोहांडा नेशनल पार्क 1980s में यहां पर एक गेंडो का पेड़ चितवन से ले जाकर इंट्रोड्यूस किया गया, भारत से नहीं ले गए, पाकिस्तानी चितवन से ले गए, नेपाल से ले गए, और अभी तक इन्होंने ब्रीड नहीं किया इन गेंडो ने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी तक यहां पर कोई सक्सेस नहीं मिली, फेल हो गया ये प्रोजेक्ट, फेल हो गया राइनो इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो ये यहां पे मैंने अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में, गेंडो के हैबिटेट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। ये फोटोग्राफ चितवन नेशनल पार्क का है, काजीरंगा का नहीं है। अब कहां कितने गेंडे पाए जाते हैं देखिए, ये पाई चार्ट में मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, कोई कहीं कंफ्यूजन ना हो। काजीरंगा में 2400 के करीब, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन चितवन में 600 से 650, जल्लापाड़ा में 200 के करीब है, पोवितोरा में और ओरांग में 100 के करीब है, और बाकी सब जगह कुल मिला के 150 है, जिसमें मानस वानस सब आ गए, ठीक है। ये 2018 का एस्टिमेट है, लेटेस्ट एस्टिमेट है इंडियन राइनो की पॉपुलेशन का। इंडियन राइनोसेरस 1900 के लगभग, साल 1900 के लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका था लगभग, लेकिन लेडी कर्जन ने अपने पति लॉर्ड कर्जन को समझाया कि गेंडो को बचाना चाहिए, और काजीरंगा को एक गेम रिजर्व 1916 में डिक्लेयर किया। पहले तो ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ, कर्जन ने इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके गेंडो को तो इंस्टेंटली बचा लिया। फिर उसके बाद ये गेम रिजर्व 1916 में डिक्लेयर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद ईपी घी नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध कंजर्वेशनिस्ट हुए हैं, बहुत ही फेमस कंजर्वेशनिस्ट हुए, बहुत बड़े कंजर्वेशनिस्ट हुए, जिनके रिकमेंडेशन पे चितवन और मानस दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब उनको प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्टेड एरिया बने, और आगे चलकर ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। मतलब आप देखिए एक आदमी का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर वो ठीक से काम करे तो। 1950s में ईपी घी ने, और 1960s के अर्ली ईयर्स में ईपी घी ने इन जगहों पर ट्रेवल किया और यहां पर सर्वे करके पता किया कि चितवन को बचाना चाहिए, और नेपाल गवर्नमेंट ने फैसला लिया, चितवन को नेशनल पार्क 1973 में डिक्लेयर किया गया ईपी घी के रिकमेंडेशन पे। गेंडो की पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली ग्रो करती रही, 1900 में 100 के करीब गेंडे थे, बढ़ते बढ़ते 3500 2015 में आते गए। उसका एक कारण है WWF, भारत सरकार और कई सारे एनजीओज ने जी जान लगाकर काम किया और ये कामयाबी हासिल करने में उनको सफलता मिली, ये कामयाबी मिली उनको, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में शोर तो नहीं आ रहा आपको, मुझे फिर से बताइए बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या, बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा ना, ओके, क्योंकि मुझे यहां समझ में आ रहा है इसलिए। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1972 तक काजीरंगा में केवल 400 गेंडे थे, दूसरे आसाम की सेंचुरी पोवितोरा जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी आज की तारीख में, जल्दापाड़ा और ओरांग में और चितवन जो है नेपाल में, यहां पर वाइबल पॉपुलेशन थी, धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। और काजीरंगा में गेंडो की पॉपुलेशन आज की तारीख में 2400 से ज्यादा है, चितवन में 600 से ज्यादा गेंडो की पॉपुलेशन 2015-2018 के हमने आंकड़े देख लिए। तो उसका कारण था कि अटल डिवोशन की वजह से सारे कंजर्वेशनिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिवोट करके काम किया। आर्म्ड एंटी पोचिंग की वजह से काजीरंगा में, आपको पता है कि शूटेड साइट के ऑर्डर है, पोचर्स को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर है, और एक साल था 2015 में पोचर्स से ज्यादा, गेंडो से ज्यादा पोचर्स मारे गए, पता आपको, जितने पोचर्स मारे गए, जितने गेंडे मारे गए, उससे ज्यादा पोचर्स मारे गए 2015 में। हाँ, कुछ कुछ उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। नेपाल में इसको कहते हैं गेंडा गश्ती, गेंडा गश्ती कहा जाता है नेपाल में इसको, एंटी पोचिंग स्क्वाड को नेपाल के।
ठीक है, क्यों कहा जाता है जानती हैं आप लोग, काजीरंगा के पास भी बहुत बड़ा एक स्क्वाड है। अभी भारत के पास ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक इंडियन राइनो विजन है 2020 का, इंडियन राइनो विजन है 2020 का, इंडियन राइनो विजन है 2020 का। हाँ आपने सही कहा, बिसु नाम का गेंडा मारा गया था, इंडियन राइनो विजन है 2020 का, जिसका टारगेट है 3000 गेंडे आसाम में अकेले में हो। पॉसिबल है, ये प्रोग्रेस में है और संभवतः ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही गेंडों की, तो ये पॉसिबल है। मानस में गेंडों की पॉपुलेशन लगभग सफाया हो गई थी, खत्म हो गई थी बोडो अनरेस्ट के बाद, लेकिन अब रीसेंट ट्रांसलोकेशन के बाद अब इसकी पॉपुलेशन 38 से 40 के बीच में है। ठीक है, दुधवा में 1984 में ट्रांसलोकेट किया था, मैंने आपको बताया था। शुक्ला फाटा दुधवा से जो नेपाल में, नेपाल बॉर्डर के अंदर जो लगे हुई सेंचुरीज है वो शुक्ला फाटा और बारदिया। चितवाल से वहां पर एनुअली ट्रांसफर होता है, तो इस तरह से एक पॉपुलेशन वहां निर्मित हो जाएगी, बन जाएगी। काजीरंगा की क्या प्रॉब्लम है, फ्लड्स की प्रॉब्लम है, एनुअल फ्लड्स आते हैं तो उसकी वजह से इरोजन होता है। रायनो का बिल्कुल की हैबिटेट है जो कि खत्म हो रहा है। यही प्रॉब्लम उरांग के साथ भी है और पोबितोरा के साथ भी है, दो की रायनो हैबिटेट्स है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, एनुअल फ्लड्स। दूसरी बात, यहां पर एक नेशनल हाईवे भी है काजीरंगा के साउथ में, उससे भी गेंडे मारे जाते हैं। एक स्पेशल क्लास में लूंगा एंडेंजर्ड सेंचुरीज के बारे में, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारी बातें। ऐसी चितवन के ऊपर है, वो भी मैं आपको एंडेंजर्ड सेंचुरीज वाले स्पेशल क्लास में बताऊंगा। अब गेंडे के सींगों के क्या क्या फायदे, मैंने आपको बताया था पोचिंग के ऊपर, मैंने एक क्लास ली थी याद है आपको, पोचिंग के ऊपर मैंने जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि गेंडे के सींगों से क्या क्या होता है, क्या क्या फायदे हैं। कुछ फायदा नहीं है, लेकिन चाइनीज मेडिसिन सिस्टम जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, उसके हिसाब से ये सारी बीमारियां गेंडे के सींग से ठीक होती है, उसके पाउडर से ठीक होती है गेंडे के सींग से। मुझे भी जो सर्दी हो रही है वो गेंडे के सींग के पाउडर से ही ठीक होगी, ठीक है ना। खैर तो मजाक था, गेंडे के सींग के पाउडर से कुछ नहीं होता है, लेकिन अंधविश्वास है। चाइना का मेडिसिन सिस्टम जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है, वो ऐसा दावा करता है कि ये सब चीजें ठीक होती है, ये सब बातें ठीक होती है गेंडे के सींग के पाउडर से, और उसकी वजह से दुनिया भर में गेंडों पर मुसीबत आई हुई है। ये भारत में गेंडों के पोचिंग के आंकड़े हैं, इसको पॉज करके आप देखिएगा। मैं पीडीएफ में इसको अपलोड करूंगा फेसबुक में, पीडीएफ में अपलोड करूंगा फेसबुक में, वहां पर आप इसको स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। सोर्स है इसका 2010 से 2017 तक के आंकड़े इसमें अवेलेबल है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, कैप्टिव ब्रीडिंग कहां होती है, एक्स साइटू कंजर्वेशन गेंडों का कहां होता है, एक स्पेशल क्लास इसी महीने में लेने वाला हूं एक्स साइटू कंजर्वेशन पे, एक्स साइटू कंजर्वेशन पे मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं इसी महीने, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेंडों का एक्स साइटू कंजर्वेशन भारत में कहां कहां पे होता है। आप जावन राइनोसेरस पे आ जाओ फटाफट। इसका वेट भारतीय गेंडे से छोटा है, वजन में, साइज में छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा सा वजन कम कर लीजिए। 1000 से 2500 किलो का होता है, मेल और फीमेल लगभग बराबर होते हैं, बल्कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें संभवतः फीमेल मेल से बड़ी होती है, पॉसिबली, पॉसिबली, कंसिस्टेंटली ऐसा होता नहीं है, पॉसिबली बड़ी होती है। शोल्डर हाइट इसकी 1.7 मीटर होती है और लेंथ 3 मीटर होती है, मतलब साइज में इंडियन राइनोसेरस से छोटा है, ब्लैक राइनोसेरस लगभग लगभग इसके बराबर होता है साइज में। इसकी 3 सब स्पीशीज है जिसमें से 2 एक्सटिंक्ट हो चुकी है। राइनोसेरस सोंडाई का साइंटिफिक नेम है। ये दलदली जंगल, दलदली इलाकों में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट के अंदर जो दलदली इलाके होते हैं वहां पर पाया जाता है, और जावा में पाया जाता है, जावा इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, उसके केवल एक ही नेशनल पार्क में पाया जाता है, उजुंगतुवान नेशनल पार्क में। 70 से भी कम बचे हैं आज की तारीख में, और आईयूसीएन इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित करता है, आईयूसीएन ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं इसमें जरा भी। पहले इसकी रेंज कहां हुआ करती थी, देखिए, मेनलैंड एशिया में भारत में पाया जाता था, देखिए भारत में पाया जाता था, भारत में कौन सा, इंडियन जावन राइनोसेरस पाया जाता था या लेसर इंडियन राइनोसेरस पाया जाता था, राइनोसेरस सोंडाइकस इनर्नेस, इनर्नेस सॉरी, ठीक है, एक ये, फिर वियतनामीज राइनोसेरस की ये रेंज थी, पूरी मेनलैंड पे वियतनामीज राइनोसेरस पाया जाता था, एनामाइट राइनो या वियतनामीज जावन राइनोसेरस, राइनोसेरस सोंडाइकस एनामेटिकस, फिर यहां पर जावा में इंडोनेशियन जावन राइनोसेरस, जावा सुमात्रा में राइनोसेरस सोंडाइकस, सोंडाइकस ये नॉमिनेट सब स्पीशीज, ये इसकी रेंज थी स्पीशीज की, 3 सब स्पीशीज की रेंज आपने देख ली। इंडियन जावन राइनोसेरस 1925 के लगभग एक्सटिंक्ट हो गया है,
अन्नामाइट या वियतनामी जावन राइनोसेरस 2010 के लगभग एक्सटिंक्ट हो गया है। इंडोनेशियन जावन राइनोसेरस बहुत कम बचे और केवल इसी जगह बचे हुए उजुम कोलोन नेशनल पार्क में 70 से भी कम बचे हुए हैं। मतलब केवल एक शताब्दी पहले नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दुनिया के 5 गेंडों की स्पीशीज में से 3 स्पीशीज हुआ करती थी। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में न पढ़ाऊं तो क्या करूं? कभी कभी मुझ पर इल्जाम लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि इसको अगर मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे नहीं पढ़ाऊं तो आपको फील कैसे आएगा कि किस तरह से हमने इसको डिस्टर्ब किया, बर्बाद किया इकोलॉजी को। ठीक है, तो उजुम कोलोन नेशनल पार्क जो है ये इंडोनेशिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वेस्टर्न मोस्ट टिप पे है, जावा के वेस्टर्न मोस्ट टिप पे है। और सबसे बड़े खतरे की बात है क्रैकाटोआ वोल्केनो, जो कि डोरमेंट वोल्केनो हम कहते हैं, लेकिन डोरमेंट वोल्केनो असल में अगर आपने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी हो तो डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो काफी लंबे समय से फूटा नहीं है। वो एक्टिव वोल्केनो जो काफी लंबे समय से फूटा नहीं है, वो भी एक तरह का एक्टिव वोल्केनो आप कह सकते हैं। तो डोरमेंट वोल्केनो ऐसा सच कुछ नहीं होता है। क्रैकाटोआ हाल ही में कभी फटा था, कब फूटा था? क्रैकाटोआ 1983 में इरप्ट हुआ था और उसके बाद गेंडो ने फिर से उजुम कोलोन को कॉलोनाइज किया। अब इसके पीछे एक कहानी भी है, जावन राइनोसेरस के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, आपको बताऊं। एक जावन टाइगर हुआ करता था, इसके डर से लोग जंगल भी नहीं जाते थे और उसकी वजह से जावन राइनोसेरस बचा रहता था। लेकिन कालांतर में जावन टाइगर जो है वो विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन ये बच गया। मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की वजह से बच गई। बड़ा अनयूजुअल एग्जांपल है इंटरडिपेंडेंस का, कोट करने के लिए ठीक है, कोट करने के लिए ठीक है। भारत में कहां पाया जाता था? आप में से किसी ने सुंदरवन का जिक्र किया था तो सुंदरवन में जावन राइनोसेरस पाया जाता था, सुंदरवन में जावन राइनोसेरस पाया जाता था, चिटागोंग हिल्स में पाया जाता था, मतलब साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में पाया जाता था, सदर्न असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और संभवतः नागालैंड और मणिपुर में भी पाया जाता था जावन राइनोसेरस। 1000 बीसी से इसकी रेंज धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। इतनी बड़ी रेंज जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी ना, वहां से श्रिंक होती जा रही है और भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में एक्सटिंक्ट हो गया। म्यांमार में आज भी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन संभवतः म्यांमार से भी खत्म हो चुका है। कैट टियन नेशनल पार्क है वियतनाम में, वहां पर आखिरी जावन राइनो को पोस्ट किया गया 2010 में मेनलैंड एशिया में वियतनाम में। क्रैकाटोआ 1883 में एक्सप्लोड हुआ था, मैंने आपको बताया था, और उसकी वजह से सुनामी आई। उजुम कोलोन के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हुआ, गेंडे जो वहां होंगे वो मारे गए होंगे, लेकिन धीरे धीरे गेंडों ने उसको फिर से कॉलोनाइज किया उस जगह को। अगर सोचिए आज की तारीख में क्रैकाटोआ फूटता है तो एक धमाके के अंदर पूरी एक स्पीशीज गायब हो जाएगी, एक धमाके के अंदर पूरी एक स्पीशीज गायब हो जाएगी। मतलब किस खतरे पर ये रुका हुआ है गेंडा, किस खतरे पर आज स्थित है जावन राइनोसेरस। ठीक ना, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इसकी कैप्टिव पॉपुलेशन है ही नहीं, किसी भी चिड़ियाघर में जावन राइनोसेरस आज की तारीख में नहीं है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, इतना रेयर जानवर है कि आपको अगर जावन राइनोसेरस आप सर्च करें तो इसी फोटोग्राफ का आपको या तो इसका फोटोशॉप्ड वर्जन मिलेगा, इसी फोटो को हर जगह कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, बहुत रेयर है, फोटोग्राफ भी इसका रेयर है, यही फोटोग्राफ आपको दिखेगा। 1967 में 25 गेंडे बचे हुए थे जावन राइनोसेरस, 1980 आते आते 50 हो गए और तब से 50 के लगभग इसकी पॉपुलेशन जो है कंसिस्टेंट है। 1991 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उजुम कोलोन को घोषित किया गया, लेकिन क्रैकाटोआ का खतरा अभी भी मौजूद है। और एक खतरा है हर्बीवोर से खतरा, मतलब जो गाइड होर चराते ना, लोग गाइड होर छोड़ देते जंगलों में, उनसे भी कॉम्पिटिशन होता है, तो वो एक खतरा। एनक्रोचमेंट जो है एक और समस्या है, जावा में पॉपुलेशन का प्रेशर काफी ज्यादा है, उजुम कोलोन पे भी पॉपुलेशन का प्रेशर है, तो ये एक एडिशनल डिसएडवांटेज है, एडिशनल खतरा है जावा के राइनोसेरस पे। हालांकि पोचिंग अभी तक आप देखिए कितनी बड़ी बात है, पोचिंग को कैसे कंट्रोल किया, जीरो पोचिंग है। पिछले 50 साल से एक भी गेंडा मरा नहीं पोचिंग की वजह से, लेकिन एक भी गेंडा अगर मरता है, एक गेंडा अभी मरा भी रिसेंटली, उसको लेके हाहाकार मच गया, एक गेंडा भी अगर मरता है तो उसकी वजह से कंजर्वेशनिस्ट में हाहाकार मच जाएगा, चिंता की बात है। तो 70 से 80 गेंडे जो जावन राइनोसेरस होने चाहिए थे 2015 में एक टारगेट था, वो फुलफिल नहीं हो पाया है, अभी भी संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अभी भी है। आखिरी कैप्टिव जावन राइनोसेरस ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड जू में 1997 में मारा गया था, लेकिन इसको इंडियन राइनोसेरस ही कहा जाता था। देखना, मैंने आपको बताया था ना लेसन शुरू करते समय, इतना कंफ्यूजन था, दिखने में इतने सिमिलर थे। अब सुमात्रा राइनो पे आ जाए फटाफट, इसको हेरी राइनोसेरस भी कहा जाता है, एशियन टू हॉर्न राइनोसेरस कहा जाता है, क्योंकि एशिया में एकमात्र यही गेंडा है जिसके दो सींग है।
हेरी राइनोसेरस इसलिए कहा जाता है कि आपको भले इसमें दिखाई ना दे लेकिन इसके भी बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे नहीं काफी लंबे बाल होते हैं, लटे होती है इसकी, हेरी राइनोसेरस की। हेरी राइनोसेरस कहते हैं, डायसेरो राइनस सुमात्रेंसिस का साइंटिफिक नेम है सुमात्रान राइनो का। दो सींग होते हैं, हेरी होता है, वजन में 500 किलो से 1000 किलो तक भारी होता है, एक टन तक भारी होता है। ये पांचों गैंडों में सबसे छोटा होता है सुमात्रान राइनोसेरस। बहुत ही सॉलिटरी है, इक्के दुक्के पाए जाते हैं और शाय होते हैं, बहुत ही लचीले शर्मीले होते हैं, एलिजिव कह सकते हैं आप, एलिजिव है। सारे गेंडों में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला सुमात्रान राइनोसेरस ही होता है। इसकी भी 3 सब स्पीशीज है, उसमें से एक एक्सटिंक्ट हो चुकी है और एक फंक्शनली एक्सटिंक्ट है। हैबिटेट कहां है इसका, सॉरी एक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बाकी दो एक्सटिंक्ट है, दो बची हुई है। ये भी दलदली इलाकों में पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट में, लेकिन थोड़े ऊंचे इलाके के रेन फॉरेस्ट से वहां पाया जाता है। सुमात्रा और बॉर्नियो इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप है, वहां पाया जाता है और इसकी टोटल पॉपुलेशन, वाइड पॉपुलेशन 100 से भी कम है। IUCN इसको क्रिटिकली एंडेंजर कहा जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी रेंज कहां कहां पे देखिए, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता था और आज केवल इन 4-5 जगहों पे पाया जाता है, वायकम्बास, बुकित बारिसान, सेलातन, कारिंची, सेबलाक और गुनुंग लेसर या माउंट लूसर नेशनल पार्क, इन सब जगहों में पाया जाता है। और सेंट्रल बॉर्नियो में एक पॉपुलेशन अभी अभी 2016 में 2015 में पाई गई है। एक जमाने में इसकी रेंज चाइना तक हुआ करती थी, चाइना के आर्टिफैक्ट्स में सुमात्रान रायनो दिखता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स में सुमात्रान रायनो का जिक्र है, दिखाई देता है, तो उससे स्पष्ट है कि सुमात्रान रायनो कभी चाइना में पाया जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता था, यहां तक कि भूटान तक में इसके रिकॉर्ड्स मिले हैं, भूटान तक में रिकॉर्ड पाए गए हैं इसके सुमात्रान रायनो से रस्ता की। सुमात्रान रायनो 3 सब स्पीशीज कौन सी है, नॉर्थ सुमात्रान रायनो, चिटागोंग रायनो, बॉर्नियो सुमात्रान रायनो, ईस्टर्न सुमात्रान रायनो और वेस्टर्न सुमात्रान रायनो। जब भी हम सुमात्रान रायनो की बात करते हैं तो हम आमतौर पर वेस्टर्न सुमात्रान रायनो की बात कर रहे होते हैं। केवल एक शताब्दी पहले मेघालय से लेकर मलेशिया तक ये फैला हुआ था, मेकोंग नदी तक फैला हुआ था, इतनी बड़ी इसकी रेंज थी। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 3 तरह के गेंडे पाए जाते थे, जावन राइनोसेरस, इंडियन राइनोसेरस और सुमात्रान राइनोसेरस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते थे। आज की तारीख में ये हालत है कि केवल इन 4-5 जगहों पर जहां पर डॉट्स बना के रखे ना मैंने, केवल इन जगहों तक सिमट कर रह गया है और यहां पर भी कोई भी पॉपुलेशन 20 से ज्यादा नहीं, किसी भी जगह पर 20 से ज्यादा गेंडे नहीं पाए जाते। एक छोटी सी पॉपुलेशन 15 गेंडों की 2016 में कालीमंटान में पाई गई थी, मतलब सेंट्रल इंडोनेशिया में डिस्कवर हुई थी। नॉर्थ सुमात्रान राइनो या चिटागोंग राइनोसेरस जो है ये भारत में भी पाया जाता था, भारत के कुछ इलाकों में पाया जाता था, इन सब जगहों पर पाया जाता था, भूटान में भी ये पाया जाता था, भूटान में भी इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन कम हुई, पोचिंग चलती रही है, 1970 आते आते भारत से गायब हो गया। क्यों गायब हुआ होगा, क्योंकि तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं आया था, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो 1970 से पहले कंजर्वेशन उतने बड़े स्केल पे होता भी नहीं था, तो खत्म होता चला गया। और फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नागालैंड में, उसके पास 1970 में वहां के आदिवासियों ने, लोकल जनजातियों ने इसको मारा था, एक गेंडे को मारा था सुमात्रा राइनोसेरस को। और 1990s में एक अनकंफर्म्ड साइटिंग है, मतलब एक बात कंफर्म है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सुमात्रा राइनो पाया जाता था, यही मैं बताना चाहता हूं, कभी कॉमन नहीं था। और सींगों की दवाइयां बनने की वजह से, मेडिसिन सिस्टम की वजह से इसका बड़ा शिकार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था हैबिटेट लॉस। सुमात्रा में किस पैमाने पर इंडोनेशिया में फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, लकड़ी के लिए, पाम ऑयल के लिए, आप जानते हैं पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑयल पाम की वहां प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन होती है और इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है, उसकी वजह से इस स्पीशीज पर भारी खतरा मंडरा रहा है। मलेशिया की जो आखिरी वाइल्ड पॉपुलेशन थी वो दानुम वैली में थी और ताबिन रिजर्व थी सबा प्रोविंस में, सबा प्रोविंस में थी बॉर्नियो में। 2015 में मलेशिया ने सुमात्रान रायनो को मलेशिया में एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड घोषित कर दिया, मतलब मलेशिया में 2015 में ये गेंडे समाप्त हो गए। अब जो आधी अधूरी खबरें आप तक पहुंचती है ना न्यूज़पेपर्स के जरिए या मैगजीन्स के जरिए, कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स वगैरह आप जो पढ़ते होंगे, आधी अधूरी खबरें आती है, असल में मलेशिया में एक्सटिंक्ट हुआ है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और जगह कुछ कुछ बाकी है। तो पहली रायनो सेंचुरी वायकम्बास नेशनल पार्क में 1990s में बनी थी, यहां पर सुमात्रा के साउथ में, सदर्न पोर्शन में। और अब जो है एक और सेंचुरी बनी है 200 हेक्टेयर में, ये एक एबेंडेंट माइन है जिसकी साइट पर एक सेंचुरी बन गई है सेंट्रल बॉर्नियो में। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ और फेल हो गया।
आखिरी जगह थी सिंसिनेटी जू यूएस में, जहां पर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इसका शुरू हुआ था। मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा, लेकिन आखिर में 2015 तक सारे के सारे गेंडों को सुमात्रा में वापस ले जाकर उनके सेंचुरीज में छोड़ दिया गया। उसके बाद एक सुरा एपिडेमिक आई, एक महामारी फैली जिसमें कई सारे गेंडे मारे गए। तो गेंडों की पॉपुलेशन मलेशिया में डिक्लाइन होती गई और कैप्टिव पॉपुलेशन भी, सेमी वाइल्ड पॉपुलेशन भी जो है वो घट के 3 बच गई है। और उसके बाद एक को मारना पड़ा 2017 में, क्योंकि उसको स्किन कैंसर था, तो मर्सी किलिंग हुई है। मतलब आज की तारीख में अगर एक भी सुमात्रन राइनोसोरस मारा जाता है तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, आप समझिए पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ब्लैक राइनोसोरस पे आते हैं, इसको हुक लिप्ड राइनोसोरस कहते हैं। क्यों कहते हैं हुक लिप्ड राइनोसोरस? क्योंकि इसका मुंह देखिए आप, इसका मुंह देखिए ब्लैक राइनोसोरस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका मुंह आप देखेंगे हुक जैसा है, हुक लिप्ड राइनोसोरस। ये इसलिए क्योंकि इन गेंडों के फ्रंट टीथ नहीं होते हैं। ब्लैक राइनोसोरस और व्हाइट राइनोसोरस के सामने के दांत नहीं होते, तो वो इस तरह से ब्राउज करते हैं, इस तरह से ये पत्तियां खाते हैं, इस तरह की इनकी जो लिप्स होती हैं उससे वो पत्तियां खाते हैं। ये व्हाइट राइनोसोरस में भी होता है, इस तरह का हुक होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका मुंह चौड़ा होता है। तो ये हुक लिप्ड राइनोसोरस कहलाता है। 2 सींग होते हैं इसके, 800 किलो से 1500 किलो तक इसका वजन होता है। जावान राइनोसोरस के रफली इक्विवेलेंट होता है। ये भी सॉलिटरी होता है, कभी कभी ग्रुप्स में होता है। ये सारे गेंडों में सबसे ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन था ब्लैक राइनोसोरस का। इसकी 7 या 8 सब स्पीशीज है, जिसमें 4 या 5 एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सूखे घास के मैदानों में, स्कबलैंड में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के बाहर भी पाया जाता है। 5,000 के करीब इसकी पॉपुलेशन आज की तारीख में, और IUCN इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहता है। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं, डायसिस बाइकॉमस साइंटिफिक नेम है। केवल 100 साल पहले ब्लैक राइनोसोरस की ये रेंज थी जो आप इसमें देख रहे हैं नक्शे में। ये तमाम सब स्पीशीज हैं जो इसकी क्लेम की गई हैं, ठीक है। अब IUCN की दृष्टि से केवल इतनी सब स्पीशीज है, 5 सब स्पीशीज IUCN रिकॉग्नाइज करता है। वेस्टर्न सब स्पीशीज, नॉर्थ ईस्टर्न सब स्पीशीज, ईस्टर्न सब स्पीशीज, साउथ सेंट्रल सब स्पीशीज और साउथ वेस्टर्न सब स्पीशीज। इनकी हालत क्या है आज की तारीख में आप देखिए। ये लाइट ग्रे में आप जो देख रहे हैं वो पुरानी रेंज है, और जो डार्क ग्रे में आप देख रहे हैं वो आज जो रेंज बची हुई है वो है। नॉर्थ ईस्टर्न सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है संभवतः। वेस्टर्न ब्लैक राइनो 2011 में एक्सटिंक्ट घोषित किया गया, 2010-11 में एक्सटिंक्ट घोषित किया गया। कैमरून में आखिरी वाइल्ड इंडिविजुअल पाया गया था, ठीक है। ईस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस 850 बचे हुए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 850 के करीब बचे हुए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साउथ सेंट्रल राइनोसोरस सबसे ज्यादा न्यूमरस है, वो 2200 के करीब बचे हुए हैं। साउथ वेस्टर्न राइनोसोरस 2000 के करीब बचे हुए, टोटल लगाइए तो 5,000-5,500 के करीब होता है। तो ब्लैक राइनोसोरस पॉपुलेशन 1980s में कोलैप्स हुई, 60,000 से ज्यादा ब्लैक राइनोसोरस 1970s में हुआ करते थे। 1980s के एंड में, मतलब 1990s के मिड तक आते आते 2500 ब्लैक राइनोसोरस बचे, 2500 से भी कम बचे, ये हालत होगी। केनिया अकेले में, मतलब 60,000 में से 20,000, 1/3 तो केनिया में थे, 1/3 ब्लैक राइनोसोरस केनिया में हुआ करते थे 1970s में। लेकिन 1990s के मिड तक 350 बच गए, ये हालत होगी ब्लैक राइनोसोरस की। तो आप देखिए किस तरह से हमने इकोलॉजी को बर्बाद किया। एक सावो नेशनल पार्क है केन्या का, केन्या में 20,000 जो गेंडे हैं उसमें से 8,000 तो सावो नेशनल पार्क में हुआ करते थे 1970s में, आज 0 के करीब है, धीरे धीरे रिइंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये इनकी हालत होगी, मतलब पोचिंग किस पैमाने पे हुई होगी आप देखिए। अब एक कंसेप्ट है बिग 5 गेम स्पीशीज का। गेम स्पीशीज क्या होती है? जो शिकार करने लायक स्पीशीज होती है। यूरोपियंस जो अफ्रीका में आए तो उनकी आंखें चौंधिया गई, इतने सारे उन्होंने तरीके के जानवर देखे, कभी देखे नहीं थे। तो उन्होंने 5 बड़ी गेम स्पीशीज जो थी शिकार करने लायक स्पीशीज उन्होंने लिस्ट की, जिसमें से एनलिस्ट की, जिसमें अफ्रीकन एलिफेंट है 5 गेम स्पीशीज, बड़ी गेम स्पीशीज में। गेंडो में ब्लैक राइनोसोरस प्रेफरेबल था, अफ्रीकन बफेलो, लायन और लेपर्ड, 5 बिग गेम स्पीशीज है। हमेशा याद रखिए इस बात को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए। कई सारे देशों में पाया जाता था ब्लैक राइनोसोरस, बहुत कॉमन हुआ करता था, लेकिन आज बहुत रेयर हो गया है। तो सारे के सारे गेंडे कहां कहां कॉन्सेंट्रेटेड है यहां देखिए। जकुमा नेशनल पार्क ट्रांसलोकेशंस भी हुए हैं, क्रूगर नेशनल पार्क में 800 के करीब गेंडे हैं, ट्रांसलोकेशंस कहां कहां पे हुए देखिए। मलावी में सबसे पहले 1993 में, फिर उसके बाद ओकावैंगो डेल्टा में 2003 में, ओकावैंगो डेल्टा बोत्सवाना में,
साउथ लोवांगवा नेशनल पार्क जाम्बिया में 2008 में, जाकुबा नेशनल पार्क में चार्ड में 2018 में, और सारे के सारे जो है साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। अकाजरा नेशनल पार्क है रवांडा में, उसमें 2017 में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह से रीइंट्रोडक्शन चल रहे हैं, धीरे धीरे ये रेंज एक्सपेंड होगी इन गेंडों की, अगर प्रोटेक्शन ठीक से मिला तो। लेकिन धीरे धीरे अभी आजकल की पोचिंग जो पोचिंग है वो 2000 के दशक में तो कंट्रोल रही, लेकिन अब धीरे धीरे पोचिंग बढ़ रही है। साउथ अफ्रीका में इसलिए बचे रहे क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बात तो समृद्ध देश है, काफी डेवलप्ड देश है, और वहां पर एंटी पोचिंग के लिए खर्चा किया जा सकता था, कंजर्वेशन मेजर्स वहां पे बहुत अच्छे थे साउथ अफ्रीका में। हालांकि वहां पे हाल ही के साल में कुछ पोचिंग बढ़ी है। अब डी हॉर्निंग एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण मेथड शुरू हुई है कि गेंडों का सींग काट दिया जाए, गेंडों के सींग काट के उनको बचाया जाए ताकि पोचिंग ना हो। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर कोई खूबसूरत व्यक्ति है उसके मुंह पर एसिड फेंकने वाले व्यक्ति को आप जेल में नहीं डाल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि बुरका ओढ़ के जाए, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। डी हॉर्निंग बहुत ही अजीब सी एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक मेथड निकाली है इन्होंने पोचिंग को खत्म करने के लिए, कोई इसका मतलब नहीं है। इससे अल्टीमेटली इसके इकोलॉजी पर ही इफेक्ट होगा, गेंडों की इकोलॉजी पर ही इफेक्ट होगा। तो भारत में भी डी हॉर्निंग का एक प्रपोजल आया हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे रिसेंटली, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अभी तक ब्लैक राइनो के रीइंट्रोडक्शन सक्सेसफुल रहा है, व्हाइट राइनो पे आ जाइए फटाफट। स्क्वायर लिप्ड राइनो इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका चौकोर सा मुंह है, स्क्वायर लिप्ड राइनो कहते हैं। सेराटोथेरियम साइमम साइंटिफिक नेम है, सबसे भारी गेंडा, वजन इसका 1700 से 3000 किलो हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, 4000 किलो मतलब 4 टन का गेंडा भी हो सकता है, 4.5 टन का क्लेम है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है हाथी के बाद, हिप्पोपोटामस से इसकी बराबरी हो सकती है, सबसे बड़ा पेरिसोडेक्टाइल है, ऑटोडंगुलेट है और सॉलिटरी है, कभी कभी ग्रुप्स में पाया जाता है, ग्रुप्स भी छोटे छोटे होते, ज्यादा बड़े नहीं होते, सॉलिटरी ही इसको कह सकते हैं आप। व्हाइट इसके कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है, व्हाइट कलर इसलिए इसको कहा गया क्योंकि अफ्रीकांस एक भाषा है साउथ अफ्रीका की, उसमें वाइट को मतलब चौड़े को व्हाइट कहा गया है, उसका करप्शन है ये व्हाइट। तो अगर ये व्हाइट हो गया तो ब्लैक राइनोसेरस अफ्रीका में दूसरा गेंडा कौन सा हो गया, वो ब्लैक हो गया, इसलिए उसका नाम ब्लैक पड़ा है। और वैसे देखा जाए तो वाकई में ये बाकी गेंडों से ज्यादा गोरा है और ब्लैक राइनोसेरस सारे गेंडों में सबसे काला है, सुमात्रा राइनो भी काला था ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक बात है, ठीक है। इसकी सब स्पीशीज दो है, उसमें से एक फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गई जो आजकल आप, हाँ बिगर देन इंडियन राइनोसेरस है, सबसे बड़ा गेंडा ये है, बिगर देन इंडियन राइनोसेरस है। मैंने लेक्चर शुरुआत करते समय आपको बताया था, शुरू करते समय आपको बताया था इंडियन राइनोसेरस से बड़ा है, बिगेस्ट है, वेरी गुड, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा जीवन में, ये सबके बड़े पापा हैं व्हाइट राइनोसेरस, कभी मत भूलिए इस बात को। कहां पाया जाता है, सूखे घास के मैदानों में और झाड़ियों के इलाकों में पाया जाता है, झाड़ी झंकार में, स्क्रबलैंड में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, 20,000 के करीब इसकी पॉपुलेशन है, और यही एकमात्र गेंडा है जो थ्रेटन्ड नहीं है। IUCN की नजर में सारे गेंडे थ्रेटन्ड है, भारतीय गेंडा भी धीरे धीरे नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है IUCN केवल इसी गेंडे को नियर थ्रेटन्ड मानता है, इसको थ्रेटन्ड नहीं मानता। थ्रेटन्ड कौन सा होता है, कोई स्पीशीज अगर वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो उसको थ्रेटन्ड हम मानते हैं। तो नियर थ्रेटन्ड जो है केवल यही एक गेंडा है। इसका एक्सटिंक्शन कहां हुआ है, नॉर्दर्न सब स्पीशीज जो है वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गई है, नॉर्दर्न सब स्पीशीज फंक्शनली एक्सटिंक्ट हुई है, सदर्न सब स्पीशीज जो है वो अभी बाकी है, सारे गेंडे सदर्न सब स्पीशीज है। आज से 100 साल पहले इसके रेंज मैप क्या था ये देखिए, नॉर्दर्न रेंज सेराटोथेरियम साइमम कॉटनी, उसकी रेंज ये है 100 साल पहले की, 100 साल पहले की सदर्न व्हाइट राइनोसेरस की रेंज ये है, गिनती के बचे हुए दिख रहे हैं आपको, सदर्न व्हाइट राइनोसेरस 100 से भी कम बचे हुए थे 100 साल पहले, और नॉर्दर्न राइनोसेरस 3000 से भी ज्यादा थे। लेकिन 100 साल के बाद यहां सेंट्रल अफ्रीका में कौन कौन से देश है आप देखिए, थोड़ा गैस कीजिए कौन कौन से देश है, यहां पे इतना वक्त नहीं है हमारे पास अब कि हम गैस करने में आपको थोड़ा टाइम दूं, नहीं तो मैं आपको एक्सरसाइज देता इन सब कंट्रीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, मुझे बताना पड़े कि कौन सा कंट्री कहां है, इसलिए मैं जानबूझ के कभी नहीं लिखता हूं कि कहां कौन सी कंट्री है, ये सब आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, बातें रटी होनी चाहिए आपको। कांगो युगांडा सही है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है या साउथ सूडान है, यहां पर इसकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन 100 साल के बाद क्या स्थिति बन गई, स्थिति बिल्कुल पलट गई, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरस एक्सटिंक्ट हो गया, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरस एक्सटिंक्ट हो गया, फंक्शनली एक्सटिंक्ट है आज की तारीख में,
और आखिरी जो यहां पाया जाता था वो था गरामा नेशनल पार्क में, जो कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में है। गरामा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, यहां पर इसकी आखिरी पॉपुलेशन थी, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। और चूंकि ये एक्सटिंक्ट हो गया है गरामा में, तो अब इसका कायदे से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पद छीन लेना चाहिए, है कि नहीं? उसके बिना इनको अकल थोड़ी आएगी, समझ थोड़ी आएगी उसके बिना। लेकिन सदन सब स्पीशीज ग्रो करती रही, 100 साल के बेहतरीन कंजर्वेशन की वजह से आज 20,000 से भी ज्यादा सदन व्हाइट राइनोसेरस हैं, उसमें से सब के सब लगभग साउथ अफ्रीका में, इनकी रेंज आप देख रहे हैं। क्रूगर नेशनल पार्क में 12,000 के करीब गेंडे हैं, उसमें से क्रूगर नेशनल पार्क, मतलब जो मैं क्रूगर नेशनल पार्क बोलता हूं, तो क्रूगर नेशनल पार्क के आसपास बहुत सारी गेम रिजर्व्स हैं। ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क में उसके आसपास के सारे रिजर्व्स को मिला के इस एरिया में 12,000 के करीब गेंडे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। उसका कारण यह है कि यहां ऑपरेशन राइनो किया गया था। रीइंट्रोडक्शन कहां का हुआ है देखिए, युगांडा में हुआ है, ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में हुआ है, नामीबिया में रीइंट्रोडक्शन हुआ है, जाम्बिया में हुआ है, स्वाजीलैंड और नाकुरू नेशनल पार्क जो है, केन्या का नाकुरू नेशनल पार्क आपने देखा होगा, एक लेक है जिसमें लाखों की तादाद में फ्लेमिंगोज आपको दिखेंगे, केन्या की एक ऐसी लेक जहां लाखों की तादाद में आपको फ्लेमिंगोज दिखेंगे, वो सीन है नाकुरू नेशनल पार्क का। तो नाकुरू नेशनल पार्क में अगर आपको कोई गेंडा घूमता हुआ दिखता व्हाइट राइनोसेरस, तो वो रिइंट्रोड्यूस राइनोसेरस है, जो कि साउथ से साउथ सदर्न राइनोसेरस को वहां ले जाकर इंट्रोड्यूस किया गया केन्या में, सेंट्रल केन्या में नाकुरू नेशनल पार्क में। तो बहुत अच्छी एंटी पोचिंग हुई और ऑपरेशन राइनो लॉन्च किया गया था। ये लुलुवे इंफोलोजी गेम रिजर्व जो है साउथ अफ्रीका की, यहां पर ये ऑपरेशन राइनो लॉन्च किया गया 1960s में। धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी और इसको अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की अलग अलग जगह पर ट्रांसलोकेट किया गया, और क्रूगर नेशनल पार्क में क्योंकि बड़ा हैबिटेट था वहां पर ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा ट्रांसलोकेशन, वहां ट्रांसलोकेट किया गया। और 30 साल तक, हाँ, यहां भी शूटेड साइट अफ्रीका में होता है, कई जगह पे होता है, कई जगह पे होता है अफ्रीका में है। एंटी पोचिंग स्क्वाड है, बिल्कुल सही कहा आपने, एंटी पोचिंग स्क्वाड है। मैंने पोचिंग के बारे में आपको बताया सब, तब शायद बताया था मैंने एंटी पोचिंग के बारे में, मैंने बताया था शायद, है ना। अच्छा, इसके मैंने रेगुलर लेसन्स भी बना के रखे हैं, इनकेस अगर आप यहां पे कवर नहीं कर पाए होंगे तो मैंने इसके छोटे रेगुलर लेसन्स बना के रखे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें आप देख सकते हैं। इन सारी स्पीशीज के बारे में मैंने वहां डिटेल में समझाया हुआ है, थोड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, वहां पे थोड़ा लंबा डिस्कशन चला जाएगा, 1.5 से 2.5 घंटा वहां चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है व्हाइट राइनोसेरस की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी क्यों, क्योंकि इनका नेचुरल प्रीडेटर कोई नहीं होता है। हाथियों का नेचुरल प्रीडेटर कोई नहीं होता, हिप्पोपोटामस का नेचुरल प्रीडेटर कोई नहीं होता है, और व्हाइट राइनोसेरस का नेचुरल प्रीडेटर कोई नहीं होता है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। इवन इंडियन राइनोसेरस का नेचुरल प्रीडेटर ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती है। थोड़ा भी प्रोटेक्शन आप देंगे तो इनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी, इंसानों से भी ज्यादा तेज इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। लायन नहीं खा पाता, लायन व्हाइट राइनो को, फुली ग्रोन एडल्ट मेल व्हाइट राइनोसेरस को लायन नहीं मार पाते हैं, बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, बहुत ही रिकॉर्ड्स हैं। नेचुरल प्रीडेटर लायन को नहीं कहा जा सकता व्हाइट राइनोसेरस का, कोई नेचुरल प्रीडेटर, ब्लैक राइनोसेरस का नेचुरल प्रीडेटर हो सकता है लायन, ठीक है ना, वो भी कम है। फुली ग्रोन राइनोसेरस का यूजुअली कोई नेचुरल प्रीडेटर होता नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स की वजह से साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे कंजर्वेशन एफर्ट्स हुए, इफेक्ट एंटी पोचिंग की वजह से ये पॉपुलेशन 100 साल के अंदर 100 से बढ़कर 20,000 हो गई। अभी भी एक समस्या है, आप इसमें जूलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, कोई मुझे बताएगा केवल 100 गेंडों से 20,000 गेंडे बने, क्या खतरा है कोई बताएगा, आप में से कोई गैस करेगा, इन 100 गेंडों से 20,000 गेंडे बने हैं, कोई डेंजर मुझे बताएगा इसका खतरा? बायो के स्टूडेंट्स होंगे आपको पता होगा ना, नहीं, इकोसिस्टम का नहीं है, गेंडे से इकोसिस्टम पे उतना असर नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही, प्रीति श्रीवास्तव जी ने सही जवाब मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। वेदांत जी का भी सही आंसर आया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो नहीं होती, इसलिए जीन पूल्स को कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, सर्वाइविंग की चांसेस लेस हो जाते, कम हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये पोचिंग स्टैटिस्टिक्स है, आजकल जो गेंडो की पोचिंग बढ़ी है उसके आंकड़े हैं, ये 2018 का ये ग्राफ है, 2018 का ग्राफ है, अभी तक का इतने गेंडे पोच हुए हैं। मैंने पोचिंग वाले लेसन में आपको बताया था, पोचिंग वाली जो स्पेशल क्लास ली थी उसमें शायद बताया था ये सब ना,
और हद तो तब हो गई जब पेरिस के भारत के किसी चिड़ियाघर में, कांगो के किसी चिड़ियाघर में होता तो समझ में भी आता, नाइजीरिया के भिमंगे देश के किसी चिड़ियाघर में होता, बांग्लादेश के चिड़ियाघर में होता समझ में भी आता, पेरिस के चिड़ियाघर में, फ्रांस के पेरिस के चिड़ियाघर में, तोयरी जू में एक वाइट राइनोसिरस को पोज कर लिया गया, उसके सींग निकाल के ले गए, एक सींग निकाल के ले गए, अभी तक की वेस्टर्न वर्ल्ड की एकमात्र घटना है। मार्च 2017 में घटना हुई थी, ठीक है ना, तो इस हद तक हुई। और आपको पता है गेंडो के सींग के पाउडर से कुछ नहीं होता, केवल खुजली और खांसी ठीक होती है, वो भी नहीं होती, उल्टा और हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होता उससे, लेकिन अंधविश्वास से उसकी वजह से कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती। देखिए एक जुआ खेला गया ओल पेजेटा, जिसके बारे में आपने आपने अखबारों में पढ़ा होगा ओल पेजेटा के बारे में। अभी जो किसी ने मुझे बताया भी था कि गेंडे खत्म हो गए, गेंडे खत्म नहीं हुए हैं, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसिरस फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसिरस फंक्शनली इसलिए एक्सटिंक्ट हुआ है क्योंकि ओल पेजेटा नाम की जो एक कंजर्वेंसी थी सेंट्रल केन्या में, लाइकिपिया प्लेटो पे ओल पेजेटा कंजर्वेंसी है केन्या में, जहां पर सारे व्हाइट राइनोसिरस जो चिड़ियाघर में थे उनको लाकर ले जाया गया और एक एनक्लोजर में पूरी तरह से गार्डेड, थॉरली गार्डेड एनक्लोजर में उनको रखा गया ताकि वो ब्रीड करें। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रोग्राम, करोड़ों रुपए उसमें फूंक दिए, करोड़ों डॉलर्स उसमें फूंक दिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा, गैम्बल था, हार गए गैम्बल। आज की तारीख में सारे मेल राइनोसिरस खत्म हो गए हैं, जो आखिरी वाइल्ड कैप्टिव नॉर्दर्न वाइल्ड राइनोसिरस थे वो सबके सब चिड़ियाघर में खत्म हो गए 2015 आते आते। ओल पेजेटा में आखिरी मेल जो मरा है वो है सूडान, सूडान नाम का आखिरी मेल वाइट राइनोसिरस, नॉर्दर्न वाइट राइनोसिरस मरा है, जिसको यूजनाइज किया गया, मर्सी किलिंग की गई उसको 2018 में, मार्च 2018 में, ठीक है। अब केवल एक ही चांस है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हो पाए तो हो पाए, लेकिन उसकी भी संभावनाएं जीरो है। मतलब ये सब स्पीशीज जो है, स्पीशीज नहीं, ये सब स्पीशीज है नॉर्दर्न वाइट राइनोसिरस की, जो सब स्पीशीज है वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट है। इसलिए अगर कहीं आपको अखबार में पढ़ने को मिले या कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स में पढ़ने को मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्रॉस करेंगे तो कुछ और बनेगा, स्पीशीज नहीं बनेगी, क्रॉस कर सकते हैं, करने को क्या है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो जीनस भी अलग है उनका, जीनस भी अलग है, जीनस सेम होता तो एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती थी, सब जीनस भी सेम होता तो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती थी, लेकिन चूंकि जीनस भी अलग है इनका तो चांसेस बहुत कम है। आया समझे पूरा ओल्ड पेजेटा गैम्बल। तो 2009 आते आते केवल दो चिड़ियाघरों में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसिरस, एक तो सैन डियागो जू जो कि दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है, सैन डियागो जू यूएस में, और वुर कार्लो जू जो है चेक रिपब्लिक में, वहां पर यह हुआ करता था। आया समझ में? तो ये सब था। अब एक आप लोगों के लिए सवाल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एनजीओ बनते हैं गेंडो को बचाने के लिए, एक तो है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो कि टेक्सास में है, एनजीओ है यूएस में, एक सेव राइनो है यूके बेस्ड एनजीओ। अब मुझे बताइए यूएस और यूके में गेंडे मिलते हैं क्या? यूएस और यूके में गेंडे मिलते हैं नेचुरली? नहीं मिलते हैं, मिलते हैं? उन देशों में गेंडे नहीं मिलते हैं और वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी जा रही गेंडों को बचाने के लिए दुनिया भर के, और हम यहां पे 125 करोड़ भाड़ झोंक रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसा इंटरनेशनल एनजीओ गेंडों को बचाने के लिए भारत में क्यों नहीं बनता है, इस पर जोर थोड़ा जुगाली कीजिएगा, सोचिएगा। तब तक मैं आपकी अगली स्पेशल क्लास की तैयारी करता हूं। तो कैसी लगी आपको आज की स्पेशल क्लास बताइएगा। तमाम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कल पॉसिबली अगली स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, पॉसिबली हॉर्स स्पीशीज पे हम बात करेंगे। सब साची जी, आप पहले भी मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इतना पेशेंटली सुना देखा। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, उसका पीडीएफ मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, आप लोग को फेसबुक पे ये पीडीएफ मिलता है कि नहीं मिलता बताइए, फेसबुक पे पीडीएफ अवेलेबल हो पाता है कि नहीं हो पाता? पीडीएफ मिल जाता है कि नहीं आपको इसका?
पीडीएफ मिलता कि नहीं मिलता? अच्छा रिक्वेस्ट पेंडिंग है, चलिए मैं देखता हूं उसको। हाँ रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी तो इन सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सब रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करवाता हूं, ठीक है? पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खूब पढ़िए, आराम से इत्मीनान से पढ़िए और शेयर करना चाहे शेयर भी करिए। हाँ ऐसे इंडेक्सेस आपको इसलिए कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों को छाना हुआ है, मैं कोई रिफ्रेशर या चार पैसे की मैगजीन पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत ही हाई लेवल की मैगजीन पढ़ के या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखिए, डाटा मैंने काफी लंबे समय से कलेक्ट किया हुआ है और इससे आपको कम से कम 5 गुना ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं तो, कम से कम 5 गुना ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मुझसे भी 15 साल छोटी उम्र में, मैं 34 की एज है मेरी, तो 19 या 20 की एज में आपके पास इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको ये एग्जाम वाकई में कंफर्टेबली कन्विंसिंगली क्रैक करना है तो, और क्रैक करके कुछ जिंदगी में करना है तो, ठीक है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्री जैसी है, एक तरह की डॉक्यूमेंट्री आप समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज की स्पेशल क्लास के लिए। कल और एक स्पेशल क्लास होगी, उसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली संभवतः हॉर्स फैमिली के बारे में बताऊंगा, घोड़े और उससे रिलेटेड जो स्पीशीज होती है उसके बारे में बताऊंगा। इसकी स्पेशल क्लास जो है इसके रेगुलर लेसन आपको अवेलेबल होंगे, मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो बनाए हुए ना लेसन, उसमें आपको रेगुलर लेसन मिल जाएंगे इन सबके, ठीक है? इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां पर आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ये क्लास हम ओवर करते हैं, ये हमारी स्पेशल क्लास थी राइनोसेरस पे, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, धन्यवाद।